पहुंच। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां व्यू के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। फोकस इस बात पर है कि अभी जो करंट मेट्रो का जो नेटवर्क है उसको अगले एक से दो साल के अंदर यहाँ से डबल करना है उसकी कैपेसिटीज को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिल सके। तो यही दिखाता है कि मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित हुआ है जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, और टीयर टू टीयर थ्री टाउन पर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है, और इस चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आखिर मेट्रो राइड में किस तरह के बदलाव आए हैं, मेट्रो राइड कितनी सहूलियत है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, और एक तरह से लोगों से संवाद करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक सेवक के तौर पर ट्रैवल करते हुए विश्वविद्यालय की तरफ। जी बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अक्सर ऐसी तस्वीरें से पहले भी हमने देखी हैं कि जब प्रधानमंत्री यूथ से संवाद करते हैं तो यूथ में भी काफी उत्साह होता है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसे टिप्स दें यूथ को जो आगे आने वाले समय में उनके काम आए। और वही तस्वीरें ये दर्शा भी रही हैं कि कुछ ऐसे टिप्स इस वक्त इन लोगों को मिल रहे हैं, यात्रियों को मिल रहे हैं, छात्र छात्राओं को मिल रहे हैं जो उनके जीवन में बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले होंगे। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेट्रो के अलावा आप ये भी देखिए कि जहां भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होती है, अभी हमने कल ही देखा, कल परसों में देखा कि कैसे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी शुरुआत की, तो वहां पर जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, उनसे फर्स्ट हैंड जानते हैं। हमने सुना है जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन आई कि उनको अब क्या बदलाव लगता है, यानी कि जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, 2047 तक जब बात चल रही है कि भारत एक डेवलप कंट्री के तौर पर उभरेगा, तो जो आज के यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 10 साल 12 साल 15 साल है, वो उस समय एक बड़े रोल पर होंगे, बड़े पद पर होंगे, जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी के साथ में अपना काम निभा रहे होंगे। उन्हीं यंगस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कनेक्ट कर रहे हैं। आप मेट्रो राइड्स की बात कर लीजिए जहां पर प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों से यंगस्टर्स से शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आज शताब्दी समारोह आयोजित होना है। कार्यक्रम की खास बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। मेट्रो की तस्वीरें हैं जब युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर इस इमारत की आधारशिला रखने के साथ साथ पुस्तक का भी विमोचन करने के लिए पहुंचेंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस समारोह के अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो तीन नए इमारतों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा कॉफी टेबल नाम की एक किताब, उसका भी विमोचन होना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तीन नए भवनों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। सीधी तस्वीरें सामने आई हैं जब मेट्रो से जा रहे हैं प्रधानमंत्री और संवाद उन्होंने युवाओं से किया है। इन तीनों भवनों का निर्माण 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है और इसके अलावा शैक्षणिक सत्र से ही 360 छात्रों की क्षमता पर आधारित पहली बार बीटेक कोर्स के पाठ्यक्रम का भी शुरू होना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम की तैयारियों को उत्साह के साथ पूरा किया जा रहा है।